के बराही मोहन से चकफतेह जाने वाले रोड को ग्रामीणों ने किया जाम। बराही मोहन अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चकफतेह से हनुमान मंदिर तक 805 मीटर में पीसीसी एवं काशीकरण का कार्य कराया गया था। सड़क निर्माण में लोकल बालू से कार्य होने के कारण सारी सड़क टूट गई है। इस सड़क में एक छोटी सी पुल भी है जो ना बनने के कारण ग्रामीणों का आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2018 को जिला पदाधिकारी को इस विषय में ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके कारण ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। संवेदक नीरज कुमार द्वारा पुल बनवाने के लिए इसको काट करके छोड़ दिया गया, जिसके चलते चौपहिया वाहन आना जाना बंद है। गन्ना ढुलाई थ्रेसर वगैरह धान का बोझा कोई किसी भी चौपहिया वाहन जा नहीं सकता है। संवेदक द्वारा भारी अनियमितता का बहुत लापरवाही है। ग्रामीण कार्य विभाग भी इसके प्रति उदासीन है। डीएम को भी लोग पेटिशन दे दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एकदम लापरवाही है, अराजकता का माहौल है। रोड 5 साल में बनाना था, 2014 में बनाना था, अभी 19 हो गया, अभी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ है। रोड काट करके छोड़ दिए, उसमें भी नहीं रोड पुल बनाना था तो रोड काटे का है, रोड काट करके छोड़ दिए। अब उसको करके जाएगा, ट्रैक्टर नहीं जाएगा, गाड़ी नहीं जाएगा। अच्छा, पुल को खन करके बीच दिया, देखिए जैसे पुल नहीं बनाया और पकड़ के ना कोई गाड़ी आ रहा है, हम लोगों का पूरा खेती का काम। यह रोड जो है तो हमारे दो गाँव के लिए मुख्य पथ है और यह बरसों से मैंने इसी तरह मैंने खंगाल करके छोड़ दिया गया है, जिससे दो गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते काफ़ी लोग आक्रोशित है, हमारे दो गांव के लोग काफ़ी आक्रोशित है। इसके एवज में हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। अगर यह अविलंब कार्रवाई नहीं की गई और यह रोड नहीं बना तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे।